हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम नवदीप कौर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन पेपर वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप सबके लिए लेकर आई हूँ। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम विजिबल टू ऑल ऑन पेपर वन? आ गए जी, सो वी आर विजिबल। सो फ्रेंड्स, आज हमारी रात को 10 बजे जो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप में क्लास है, और वो पर्टिकुलर क्लास का नेम है पीपल एंड एनवायरनमेंट के ऊपर हम 2020 वाले PYQs कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मेक श्योर टू ज्वाइन, एंड द कोड टू अनलॉक इज नवदीप लाइव। एंड नवदीप लाइव लगा के आप अन अकेडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो इससे भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो आज का स्केड्यूल कुछ इस तरीके से है। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की क्लास हमारी 6 बजे है अन अकेडमी के प्लस क्लास में, जो कि जिसमें मैं पेपर 2 अकाउंटेंसी की एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ले रही हूँ। एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट का क्रैश कोर्स के अंदर हमारी 7:30 बजे क्लास है, जो 9:30 बजे तक होगी। फिर रात को 10 बजे हमारी स्पेशल क्लास है, जिसमें हम लोग फ्री क्लास के अंदर पीपल एंड एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ टुडे स्केड्यूल इज। ओके, सो फ्रेंड्स, अन अकेडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन उसमें कंप्लीट कोर्स मिलता है आपको A to Z, एंड क्रैश कोर्स भी देखने का मौका मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, एवरीथिंग यू विल गेट एट द वन प्लेस। नवदीप कोर्स सर्च करेंगे कभी मेरे लेसन देखने हो तो फिर मेरे प्रोफाइल में आके ऑनगोइंग कोर्सेज में सी ऑल करके देखा कीजिए। जो कोर्स फिनिश हो चुका है, जैसे कि कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स इज ऑलरेडी फिनिश्ड, देन आप उसको कंप्लीटेड कोर्स वाले टैब में जाके देख सकते हैं। फ्री वाली स्पेशल क्लासेस को देखना है तो स्पेशल क्लास में सी ऑल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। जस्ट नवदीप को सर्च कीजिए, यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग। एंड अगर अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अभी भी अगर टाइम है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे 3 लाइन्स है, NTUGC नेट पे जाएंगे, देन गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद आप चूज करते हैं कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, देन नव क्लासेस या नवदीप लाइव या नव क्लासेस कोड लगवाते हैं, प्रोसीड टू पे करके आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 1 मंथ से ज़्यादा वाला लेते हैं देन आपको डबल डिस्काउंट मिलता है, अपने क्रेडिट्स को भी रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, सो मेक श्योर टू अटेंड ऑल। और एडवांस कोर्स में मैं अपने खुद के बनाए हुए एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराती हूँ, कोर्स ऑन एडवांस कोर्स आपको मेरी ही प्रोफाइल में मिल जाएगा। एक दिन हमारा क्विज होता है, फिर एनालिसिस, क्विज, फिर एनालिसिस, इस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, एक बात बोलूँ, बच्चे कह रहे हैं कि मैम आपने गुड न्यूज़ बोला तो मुझे लगा एडमिट कार्ड आ गया, ये हो गया या वो हो गया। भाई, आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया गया, आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दिया गया, इजन दैट गुड न्यूज़? पढ़ाई करने का मन नहीं करता, बस इधर उधर की सारी चीज़ें करने का मन करता है तुम्हारा, है ना? यू डोंट वॉन्ट इट टू टेक एनी स्टडी मटेरियल, यू डोंट वॉन्ट इट टू स्टडी, यू जस्ट वॉन्टेड टू नो कि हाँ पेपर हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं कि आगे हो रहे हैं। सो क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड अ स्टोरेज एरिया ऑफ एन कोड। अगर एडमिट कार्ड आया होगा तो स्पेशलिस्ट मुंह पे बोलूंगी ना एडमिट कार्ड आ गए, या फिर एग्जाम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, उस पर टाइटल में मैंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया था कि मैं एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ईमेल अकाउंट जिसमें स्टोरेज एरिया होता है ऑफ एन कोड, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको मेल बॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे आप ईमेल्स वगैरह स्टोर होते हैं। बहुत अच्छे, क्योंकि आईपी एड्रेस वगैरह बाकी सारी चीज़ें अलग होती हैं। डैश इज अप्रॉक्सीमेटली 1 million bytes। व्हाट इज 1 million?
मतलब जबरदस्ती है। एक बार ही कभी पहले कभी देखा था, आंसर गीगाबाइट था, तो आज भी गीगाबाइट होगा। ये रट्टा मारने वाली स्कीम है तुम्हारी। अरे गीगाबाइट बिलियन था, मिलियन नहीं था। मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को, सिर्फ रट्टा मारते हो तुम। मिलियन MB मेगाबाइट, एम से एम समझाया गया है आपको ऑलरेडी। गीगाबाइट बिलियन एंड टेराबाइट ट्रिलियन, समझ आ गई? यस। तुम लोगों को ये होता है कि एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था उसमें गीगाबाइट था यार, वो बिलियन पूछा था, मैंने मिलियन पूछा आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सी बेसिक कोबोल, ये सब क्या चीजें हैं? व्हाट आर दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? हाई लेवल लैंग्वेज है ये। ठीक है, सो दीज आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, वेरी गुड टू ऑल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेकिन हाई लेवल वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ प्रोग्रामिंग भी लिखा है, लो लेवल भी बोला है, कंप्यूटर भी बोला है, तो कौन सी वाली? तो दैट इज़ आवर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन में बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना था जो उसको सही से डिफ्रेंशिएट कर पाता, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लो लेवल भी होती है। व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूजफुल? आर रोम को क्या बेनिफिशियल बताता है? यस, अभी आंसर ही आ गया, कब का आया हुआ है? डाटा इन रोम इज नोन वाले टाइम, दैट इज रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर स्विच ऑफ। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर टू एग्जांपल, मतलब रोम जो होता है उसका डाटा स्विच ऑफ करने के बाद भी रहता है, इसलिए अच्छा चलो ये बताओ, फ्रीवेयर का एग्जांपल बतानी है। फ्रीवेयर का एग्जांपल है इंस्टेंट मैसेजिंग एंड गूगल टूल बार। ठीक है, जबकि विनजिप, लाइनक्स, लाइनक्स क्या है? लाइनक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, विनजिप आपका वो होगा प्रोप्राइटरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ऑल्सो प्रोप्राइटरी। ठीक है, तो अगर इंस्टेंट मैसेजेस देखें एंड गूगल टूल बार देखें तो ये फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब आपको पहले ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने का मौका मिलता है। अगर आप इसकी और सर्विसेज लेना चाहते हैं देन आप उसको पेमेंट कर सकते हो। वैसे ये मेनली फ्री होता है और अदर एड्स वगैरह से अलग अलग, मतलब पीछे कुछ और जैसे चल रहा है, ऐड चल रही है, कुछ और चल रहा है, जैसे गूगल पे भी चलता है, तो उनसे वो अर्न कर सकते हैं, बट फॉर द पब्लिक इट इज़ फ्री। ठीक है, फॉर पब्लिक इट इज़ फ्री जी। देन बी शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग, तो शेयरवेयर अलग होता है ना। शेयरवेयर आपको, शेयरवेयर फ्रीवेयर के जैसा ही है बट आपको पूछा है एग्जाम्पल, तो ये तो एक कैटेगरी है ना। इंस्टेंट मैसेजिंग एंड गूगल टूल बार ये एग्जाम्पल हुए ना, मतलब कोई आप, कोई सॉफ्टवेयर आपका एग्जाम्पल होगा ना, वो कैटेगरी की वो एग्जाम्पल होगी। फाइल शेयरिंग एक तरीका है बस। हार्डवेयर डिवाइस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और उसको कंप्यूटर के सिस्टम के साथ लेटर ऐड किया जा सकता है, तो ये क्या होता है? दीज आर नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बहुत अच्छे,
पेरिफेरल डिवाइसेस को ही, ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि आउटसाइड से हम कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं, दे कैन बी इनपुट, दे कैन बी हार्ट आउटपुट, बट दे आर हार्डवेयर डिवाइस. वेंडर क्रिएटेड अ प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम में जो संशोधन किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको पैचेस बोलते हैं. ठीक है, फिक्स तो तब होता, अगर आप फिक्स आंसर दे रहे हो तो, जब उसमें एरर आता और उसमें आप एरर को बग कर रहे होते तो आपने उस एरर को फिक्स किया होता, डीबगिंग किया होता. ठीक है, सो यहाँ पे प्रोग्राम में थोड़ी बहुत चेंजेस अगर आप कर रहे हैं देन दैट इज पैचेस, नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रखना. पैच पब्लिकली रिलीज अपडेट होती है ताकि कुछ बग्स एंड इशू को फिक्स किया जा सके, और हॉट फिक्स होता है अपडेट टू फिक्स अ वेरी स्पेसिफिक इशू, नॉट ऑलवेज पब्लिकली रिलीज. सो पैचेस बेसिकली आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कुछ नॉर्मली छोटे मोटे बग्स वगैरह आ जाते हैं तब. पब्लिकली रिलीज अपडेट्स जो आप करते हो, जैसे अनअकैडमी की ऐप भी थोड़े थोड़े टाइम बाद अपडेट होती रहती है. ठीक है, सो उसको बोलते हैं. अभी समझ में आ गया, नेक्स्ट टाइम देखेंगे ध्यान से. बहुत सारी ऐप्स हैं, बीच में कुछ इश्यूज होते हैं तो उसको फिर अपडेट करके लेके आया जाता है. द टर्म विच टर्म यूज व्हेन कंप्यूटर सडनली स्टॉप वर्किंग. हाँ, फर्स्ट टाइम सुना है, पैचअप सुना था. हाँ तो पैचअप सुना था, वही तो है, ये पैचअप कर दिया उसका. देखो भाई को दिक्कत आ रही है ऐप में, उसको ठीक करके निकाल दिया आपके लिए. यस, ये सिंपल चीज़ है कि सडनली स्टॉप कर जाता है काम करना, तो ये हो गया हैंग, कंप्यूटर हो गया हैंग. ठीक है, क्रैश तो भाई वो होता है जो बिल्कुल ही विंडो उड़ गई, ये तो हैंग बच्चे सही बोल रहे हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स किसके लिए यूज होता है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर या ऑल ऑफ अबव? हाँ जी, यस. सो यूनिक्स एक जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, एंड दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. इनमें से कौन सा वाला स्मॉल एंड सिंगल साइट नेटवर्क होता है? लैन इज करेक्ट, लोकल एरिया नेटवर्क आपका सिंगल साइट होता है. ठीक है, छोटा होता है, मैन उसके बाद आता है, फिर यूएस में तो खैर इधर से उधर लेके जा सकते हैं. इनमें से लॉजिक्स एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है. यस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में लॉजिक एंड मैथमेटिकल होती है, उसमें भी एएलयू में होती है अगर एएलयू ऑप्शन होता तो. माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट. जी, सो सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी. ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सिस्टम यूनिट के अंदर ही आपका सीपीयू भी आ गया ना, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन बनता है. आप सिर्फ कीबोर्ड जरूरी नहीं है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स, तो बेसिक यहाँ पे सिस्टम यूनिट होता है. इनमें से कौन सा वाला एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क का?
इनपुट में ही तो कीबोर्ड आ गया, माउस भी आ गया, ठीक है। आउटपुट में मॉनिटर भी आ गया, तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने कितनी बार समझाया, फिर तुम ये कर रहे हो। ऑप्टिकल डिस्क वो होता है जिसको तोड़ा जा सकता है, जो जो फाइबर की बनी होती है, डीवीडी सीडी, वही तुम लोग पहली बारी क्लास ले रहे हो। बताओ मेरी आईसीटी क्लास कभी जिंदगी में नहीं ली, आज इतने बुरा हाल। जैसे मैंने इसका प्रॉपर एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आप ऑप्टिकल चश्मे की दुकान पे जाएंगे तो उसमें क्या लिखा होता है, चश्मे की दुकान में जाते तो उसमें लिखा होता है ना कि ऑप्टिकल्स, और ऑप्टिकल्स में मिलती क्या है, वो स्पेक्स मिलती है, ठीक है। तो ये फाइबर की बनी होती है ना, तो इसी तरीके से आप उसी से भी लिंक कर सकते हैं कि ऑप्टिकल किससे बना होता है। ऑप्टिकल मेनली फाइबर का बना होता है, जो फाइबर का बना होता है, सीडी डीवीडी ब्लू रे ये सारी ऑप्टिकल में आती है। जो ऐसी है मैग्नेटिक डिस्क, ये ऑप्टिकल में क्यों आएगी, ये तो उसकी होती है प्लास्टिक टाइप की, जो वीसीआर की कैसेट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिटल सिस्टम में क्या होती है, क्या एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया, इसका सदमा लग गया सबको, टेंशन इतनी ज्यादा हो गई है, पढ़ा लिखा भूल गए हो। स्मॉल यूनिट डिजिटल सिस्टम में क्या होती है, स्मॉलेस्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन गलत किए, एक तो वो गीगाबाइट वाला गलत किया है, एक ये ऑप्टिकल वाला, जो मैंने आईसीटी की क्लास कभी भी ली होगी तो समझाया जरूर है, और या तो तुमने मेरी क्लास पहली बार देख रहे हो। बिट स्मॉलेस्ट है, फिर उसके बाद आती है निबल, फिर बाइट। एमएस वर्ड इज एग्जांपल ऑफ, यस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिस पर्टिकुलर को ओपन करके उसके अंदर काम किया जाता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। लो अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, यस ऑफकोर्स बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे कि एंड्रॉयड लाइनक्स यूनिक्स विंडोज मतलब iOS, तो अगर यही नहीं होगा तो कंप्यूटर चालू कैसे होगा, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, सो जब हम डिवाइड करते हैं डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसको फॉर्मिंग बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे वाले मोड में होता है, पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट मोड में होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल ताकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ली जा सके बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, नहीं भाई बफरिंग नहीं हो रही, सही है। फिशिंग स्कैम, फिशिंग में क्या होता है कि नकली ईमेल आती है, जैसे कि वो दिखाते हैं एग्जांपल के लिए कि SBI से आ रही है कि आपका डेबिट कार्ड निकल गया, या किसी और उससे आ रही है कि आपकी लॉटरी निकल गई, बट एक्चुअली वो आपका डाटा लेना चाह रहे हैं, ठीक है।
फिशिंग ट्रिप्स कुछ नहीं है, वायरस होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फिर फाइल में होता है, वहाँ से अगर हम उसको ओपन करेंगे देन हमारी विदाउट इन्फॉर्मेशन पूरे कंप्यूटर में फैल जाएगा। स्पाईवेयर्स होते हैं कि जैसे स्पाई कैमरास होते हैं, छुपके से हमारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे होते हैं तो ये उसको कैच कर लेते हैं, फिर उसको आगे जाके उस इन्फॉर्मेशन को किसी और को सेल करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है, या फिर हमसे ही मांगते हैं। तो ये क्या चीज़ें हो गई स्पाईवेयर। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीमीडिया वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए कौन सी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मल्टीमीडिया वेब पेजेस के लिए यूज होती है। जावा इज़ वेरी पॉपुलर, आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि अगर आप ऐप वगैरह भी डाउनलोड करते हैं तो वो भी जावा स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। सो ज़्यादातर मेनली जावा यूज़ की जा रही है। 1995 में क्रिएट की गई थी और ओरेकल के द्वारा। मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन जावा और अब तो वो भी बढ़ गए होंगे। असेंबलर्स तो सिर्फ सिंबल्स दिखाती है और कोबोल और वो बेसिक तो बहुत ही बेसिक वाली हो गई, सेकेंड जनरेशन की है वो। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट देखते हैं जंक ईमेल को और क्या बोलते हैं। यस, सो स्पैम इज करेक्ट आंसर हियर। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है जिसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? यस, सो सीयू एंड एएलयू आर टू पार्ट्स जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसी वाली कीज है? मॉडिफायर्स है ये, क्योंकि एक्चुअली ये वाली जो कीज़ है वो किसी और की के साथ कम्बिनेशन में ही चलती है, ये डायरेक्ट सिंगल ही इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो ये मॉडिफायर्स हैं। फंक्शन, ओए होए तुम्हारा तो मैं जिंदगी का कंप्यूटर नहीं देखा। फंक्शन की होती है कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड सबसे ऊपर होती है वो, F1 से लेकर F11 12 तक, हाँ F12 तक ऊपर जो होती है वो फंक्शन की होती है। ये कहाँ से आ गई फंक्शन की? शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट कमांड, ये सारी ऐसी कीज है जो मॉडिफायर होती है जिसको किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा कीज़ को आपस में कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक भी खैर कोई नहीं बोल सकता इसको, वो तो ABCD होती है। विच की इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन, आ गई दोबारा से, बताओ। हाँ बड़े बड़े टैंकर दे दो, इतना पानी है तुम्हारे पास तो बहा दो उसमें, लोगों का भला हो जाए। इनमें से कौन सा वाला कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क? वही अभी तो बताया था मैंने, और फिर ये गलत देने वाला कौन है? डंडे पड़ेंगे तुम्हें। अभी बताया मैंने शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट कॉम्बिनेशन में काम आती है, पिछले क्वेश्चन में। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग, पहला कंप्यूटर कौन से वाले को यूज करके हुआ था? मशीन लैंग्वेज इज करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
बॉक्स जिसके अंदर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, उस बॉक्स उस डिब्बे को क्या बोलते हैं? बॉक्स जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो सिस्टम यूनिट को टावर या चैसिस भी बोलते हैं। ये मेन पार्ट है एक डेस्कटॉप का, जो अभी बोल रहे थे ना सिस्टम यूनिट क्या होता है, वही तो होता है डिब्बा सीपीयू। और क्या होता है डिब्बे के अंदर होता है फिर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर रैम रोम लगी होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो सिस्टम में लगा, इट इंक्लूड मदरबोर्ड। अब ये जो सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड होगा, उसमें सीपीयू रैम और अदर चीज़ें होंगी, ठीक है। सो सिस्टम यूनिट ऑल्सो इंक्लूड केस जिसके अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, और उसमें फैन भी चल रहा होता है एक, और इलेक्ट्रिक वायरिंग भी हो रही होती है, ठीक है। अभी समझ आ गया? बोलो भाई अगला क्वेश्चन में सी क्या है? इजी है करेक्टर, यस रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, वेब पेजेस को देखने के लिए क्या करते हो? ब्राउजर, ठीक है। सो ब्राउजर में जाके हम वेब पेजेस को ओपन करते हैं, और किसके थ्रू ओपन करते हैं? वो यूआरएल होता है, वो अलग चीज़ है, लिंक। इनमें से कौन सा वाला श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी? चलो भाई हो गया। अभी हमने जो पढ़ाई करी आधे घंटे की क्लास में, हमने डिस्कस किया आईसीटी, अब हमारे आ चुकी है पीपल एंड एनवायरमेंट। चलो क्या ड्राई हो गया रिसेंट ईयर्स में, श्रंक होता चला जा रहा है। फर्स्ट ओनली आरएलसी, ठीक है। आरएलसी सिचुएटेड है सेंट्रल एशिया बिटवीन साउदर्न पार्ट ऑफ द कजाकिस्तान एंड नॉर्दर्न उज्बेकिस्तान। जो ब्लैक सी है वो बॉडी ऑफ वाटर है जो कि अटलांटिक ओशियंस में पाया जाता है, ठीक है। और लेक बैकल साउदर्न सेरेबिया में पाया जाता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की लेक है ये, समझ आई? फ्रेश वाटर मिलता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज एक यूएन मैकेनिज्म है जिसके अंदर कंट्रीज आती है टुवर्ड ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज डेट, कहाँ आया था ये? पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, एक ग्रीन इकोनॉमी के लिए ये वाली पार्टनरशिप कहाँ रिलीज हुई थी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो में, ठीक है जी। सो Rio+20, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया किसके द्वारा? हाँ जी, तो ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में भी। UNFCCC सेक्रेटेरिएट यहीं पे किया था क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ठीक है, कि अब हमें टॉक्सिसिटी नहीं करनी है। कल ही मैंने क्लास में कराया था पीपल एनवायरमेंट के क्रैश कोर्स में जी। कंसिडर फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स ट्रैफिक, तो इसके बारे में क्या सही है? वेरी गुड।
सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ओनली. ठीक है, ट्रैफिक एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड फंड एंड IUCN इस्टेब्लिश जो कि प्रोग्राम है इन दोनों का, वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN का, क्योंकि यहाँ पे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रही थी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. ठीक है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ज़्यादा ओवर हो रहा था, तो इस वजह से ओनली टू इज़ करेक्ट. सो फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि UNEP का है नहीं ना, ये है वर्ल्ड वाइड फंड एंड IUCN का. आपको मैंने बताया हुआ है फ्लोरा एंड फाउना को IUCN देखते हैं, डिस्कस किया था ये चीज़ कि फ्लोरा एंड फाउना को IUCN देखते हैं और थ्रेटेंड स्पीसीज वगैरह की पूरी रेड लिस्ट भी इन्होंने दी हुई है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है किसके लिए? यस, सो दिस इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर व्हाट? वेरी गुड. सो यहाँ पे ऐसे का मतलब होता है परखना, पोल्यूशन ऐसे इन एक्वाटिक इकोसिस्टम. सो यू ऑल आर करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस. पोल्यूशन को चेक करने का है, ऑक्सीजन लेवल को चेक करने का नहीं है. सो इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं. डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी चाहिए एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ताकि ऑर्गेनिक मैटर को वो ब्रेक डाउन कर सके, तो ये चीज चेक करता है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम कौन से वाले एडवांटेजेस हैं बायो रेमेडियल टेक्निक्स के? जी, तो बताने का कष्ट किया जाए, क्वेश्चन लेंदी है, पढ़ने में टाइम लग रहा है, पढ़ो. सो से इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. इट इज़ टेक्निक ताकि क्लीन किया जा सके पोल्यूशन को बाय एनहांसिंग सेम बायो डिग्रेडेशन प्रोसेस एट अकर इन द नेचर. ठीक है, और उसके अलावा बायो रेमेडियन है, नाम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बायो बायोलॉजिकली नेचुरली रेमेडी यहाँ पे क्रिएट की जा रही है. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट जेनेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायो रेमेडिएशन, क्योंकि है ही बायो मीन्स जेनेटिकली ही देखेंगे. सेकेंड क्या कहता है, एनी कंटेनमेंट विद हैवी मेटल्स सच एज, मेटल्स का कहाँ काम आया यहाँ पे, तो ऑर्गेनिजम्स का काम आएगा. ठीक है, ऑर्गेनिक जेनेटिक का काम आएगा. हाँ, सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेशन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है. इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इमिशन की वजह से हो रहा है, इनमें से कौन सा वाला पोटेंशियल साइट्स है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए? यस, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन ऊपर नीचे करी जा रही हूँ, रुको एक मिनट ठीक कर दूँ, बस आगे पीछे हो गई थी. नाउ डन. ओके, सो यू पीपल आर सेइंग अबाउट सी बट ऑल आर करेक्ट. ठीक है, सो मिटिगेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम कार्बन को सॉक कर सकते हैं, सिक्वेस्ट्र कर सकते हैं. ठीक है, सो एबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, जो कोयला होता है, कोयला सबसे बड़ा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है. कोल की जो स्ट्रीम है वो कार्बन को सिक्वेस्ट करती है. डिप्लीटेड ऑयल गैस रिजर्वायर, गैस के जो रिजर्वायर होते हैं वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट की जा सकती है, उसमें ली जा सकती है, अपने में समाई जा सकती है. सब टेरेनियन डीप सेलाइन फॉर्मेशन, ये मैंने आपको दिखाया भी था क्या करते हैं कि
जो सब यहाँ पे बिल्कुल बीच में होल्स कर देते हैं या लाइंस खींच देते हैं, जिसके द्वारा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ठीक है, सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैरी आउट हो सकती है पंपिंग कार्बन इनटू कार्बन सिंक्स। सो नेचुरल सिंक्स होते हैं ओशियन, फॉरेस्ट एंड सॉयल। आर्टिफिशियल सिंक जो आप बनाते हैं वो ऑयल रिजर्व्स या अनअवेलेबल माइंस खोद खोद के बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसके अंदर ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड सलाइन एक्वीफायर स्टोरेज, जिसके अंदर खड्डे किए जाते हैं, फिर ये अपने अंदर कार्बन को सिक्वेस कर सकते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शंस लग गए इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड ऑन बेस्ड बायोफ्यूल्स। क्या एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स भी बनाए जा सकते हैं? बट लाइकली लिमिटेशन, लिमिटेशन प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा देने के लिए? हाँ जी, हेलो जी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सेटिंग अप इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। इसमें हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरी बात, इकोनॉमिकली नेसेसेट करता है सेटअप लार्ज स्केल फैसिलिटीज इसमें सेटअप करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आगे इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न हो सकता है। वैसे भी आपको पता है एल्गीज आर नॉट गुड फॉर अस, फिर उसी के बेसिस पे आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड इन बायोफ्यूल पॉसिबल सीज ओनली। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि वो सी समुद्र समुद्र में ही हो। ठीक है, वो आर्टिफिशियली भी बनाई जा सकती है, बट आगे जाके इसके इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न पैदा हो सकते हैं अगर इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा एक्सेस में हुई तो। Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन न्यूज़, ज़्यादातर बात की जाती है, तो किस बारे में? हिंदी दिख तो रही है, और कैसे दिखाऊं? ओके, सो सही आ रहा है। Rio+20 वाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए थी। अर्थ समिट 1992 वाज आल्सो नोन एज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, UNCED थी फर्स्ट वाली। फिर उसके बाद WSD वाली आ गई थी, उसके बाद UNSD वाली आ गई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन SD यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली आ गई थी। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव है सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स इज मैनेज्ड बाय, किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं? सो बायो कार्बन फंड कौन मैनेज कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। सो मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस फॉर नेक्स्ट टाइम। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो कि कंस्टिट्यूट की गई, लेकिन किसके अंदर कंस्टिट्यूट की गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी? कंस्टिट्यूटेड अंडर विच? आज बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आपको सीखने को मिल रहे हैं। सो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाई गई है हमारे 1986 में। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला तो दूसरा है, वो किसके लिए है? कि जैसे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले। ठीक है, तो वो तो उसके लिए है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, कि कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है, बनारसी साड़ी, ये सब इन सब चीज़ों के लिए है। सरसों का साग पंजाब का, इससे लिए थोड़ी है कि इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल के लिए थोड़ी है वो।
नेक्स्ट सो इज द अपेक्स बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आती है. रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, इम्पोर्ट कैसे करना है, हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली एंड इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, सेल्स को 1989 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ रही थी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्री इन टू रोबस ब्रिजेस अक्रॉस द स्ट्रीम्स. एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है लिविंग रूट्स ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं. अपेक्स होता है मुखिया सबसे ऊपर. भैया आपने बोल दिया मैंने खा लिया रसगुल्ला है. चलो मेघालय इज करेक्ट आंसर. यस सो सही बोल रहे हो, सारे के सारे बच्चे सही बोल रहे हो. ठीक है, तो ये मेघालय में पाया जाता है. विथ रेफरेंस टू फॉरेन कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है. मैं साइड हो गई हूँ. अच्छा जी, देख लिया सारा, पढ़ लिया ए और बी का. एक्चुअली सी आंसर है. ठीक है, हरप्रिया बहरा ने सही बोला है यहाँ पर. सो इट इज़ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनियस पीपल की एक पार्टनरशिप है. फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज़ के बारे में एंड ये हेल्प करती है कंट्रीज़ को ताकि जो रीड प्लस है यानी कि रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस का जो एफर्ट है इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस एक दूसरे को दी जा सके. ये प्रोवाइड करती है असिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती है. इनमें से कौन सा वाला बेस्ट डिस्क्रिप्शन है टर्म इकोसिस्टम के बारे में. इकोसिस्टम में क्या क्या आता है. यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक है. ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद माय एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, मतलब इकोसिस्टम जहाँ पे हम रहते हैं इस पूरी चीज़ों को बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी. एंड क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है कार्बन फर्टिलाइजर्स को. व्हाट आर कार्बन फर्टिलाइजर्स. भाई एक आंसर देता है, सारे कॉपी पेस्ट मारते हैं बस और कुछ नहीं करते. इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो अगर हम कार्बन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो उनकी पैदावार ज़्यादा होती है क्योंकि दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड. तुम क्या कह रहे हो, अडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग अर्थ क्लाइमेट के अंदर. अरे वो नुकसान थोड़ी पूछ रहा है, वो कार्बन फर्टिलाइजर पूछ रहा है, हम वो फर्टिलाइजर क्यों यूज़ कर रहे हैं. इनमें से कौन सा वाला पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस है जब हैवी सैंड माइनिंग की जाए रिवर बेड्स में.
यस, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट. पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्या कॉन्सिक्वेंस होता है ज़्यादा ग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन होगा? लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये मैंने क्लास में एक बार कल कराया भी था. ठीक है, डिक्रीज सैलिनिटी, बल्कि आप कह रहे हो कि सेलाइन माइंस को खोदा जा रहा है, तो फिर वो जो नमक निकलेगा, सैलिनिटी निकलेगी, वो रिवर में भी तो जाएगी, तो बल्कि वो डिक्रीज नहीं होगी, सैलिनिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, सो वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल होता है ग्राउंड वाटर टेबल, अपर लेवल ऑफ एन अंडरग्राउंड सरफेस जिसके अंदर सॉयल रॉक्स परमानेंटली सेटल होती है, सैचुरेटेड होती है, मिक्स होती है पानी के साथ. कंकड़ वगैरह चले जाएंगे ना उसमें. सो इनमें से कौन सा वाला श्रंक इमेंसली, ड्राई अप इन रिसेंट पास्ट, वो हो गया था क्वेश्चन, एरल सी हो गया हमारा. अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? लास्ट वाला क्वेश्चन ये कहता है कि सेलाइन माइन, मतलब जो ऐसी खाद होती है जो कि सेलाइन होती है, नमकीन होती है, उसको खोदने से क्या होगा? तो भाई नम तो पानी में भी तो जाएगा ना, सॉल्टी सेलाइन, तो इसलिए पहला वाला डिक्रीज नहीं होगा, गलत नहीं होगा वो, बल्कि इंक्रीज होगा, इसलिए वो फर्स्ट ऑप्शन गलत था उसका. और जब हम किसी चीज़ को माइन को, खान को खोदते हैं, तो उससे कंकड़ पत्थर भी निकलेंगे, तो वाटर बेड पे बैठ जाएंगे वो सारे पानी के अंदर, इसलिए वाटर टेबल इंक्रीज होगी. चलो जी, सो आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड. क्यों? एनिमल वेलफेयर बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश इन 1962 अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, तो वो गलत है. टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है. ठीक है, वो दो पॉइंट बिल्कुल सही हैं. अभी कंसिडर करना स्टेटमेंट को अर्थ आर के बारे में. अर्थ आर, सेकेंड एंड थर्ड ओनली आर करेक्ट. इट्स इनिशिएटिव बाय WWW, ठीक है, ना कि UNEP. अभी दो क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं, तुमने गलत कर दिए. अर्थ आर वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा बनाए गए हैं. ठीक है, हाँ, एक घंटा लाइट्स को स्विच ऑफ करते हैं, तो WWW का इनिशिएटिव है वो. ये मूवमेंट है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स इशू करते हैं लाइट्स को 4-3-1 ऑन सर्टन डे एवरी ईयर. सो इट इज़ मूवमेंट ताकि अवेयरनेस जगाई जाए बिजली बचाव के लिए. फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है पावर प्लांट्स के द्वारा, और इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट इनके बारे में सही है? दो हज़ार बीस के क्वेश्चन कहाँ हो रहे हैं बताओ? रात को 10 बजे वाली क्लास में हो रहे हैं, 2020 को क्लास में हो रहे हैं, रात को 10 बजे. आज भी हमने पीपल एनवायरमेंट के एमसीक्यूज करने हैं उसमें. सो बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड कैन बी यूज प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स मैंने दिखाई भी थी आपको, ईंटें दिखाई थी मैंने आपको, जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे थे. एंड फ्लाई ऐश कैन बी यूज टू रिप्लेसमेंट ऑफ सम पोर्टलैंड सीमेंट. सीमेंट कंक्रीट की जगह पे भी हम फ्लाई ऐश यूज़ कर लेते हैं, बिल्डिंग भी बनती है इसकी. एंड फ्लाई ऐश मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ओनली, डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट. टॉक्सिक एलिमेंट भी होते हैं इसके अंदर, इसलिए वो गलत है. ठीक है,
अच्छा समझ के हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा वाला नेशनल एक्वाटिक एनिमल फ्लाईएश क्या होता है? फ्लाईएश जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में कुछ जलाया जाता है तो उससे जो राख बच जाती है, राख को ही तो बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल। पता है इंडिया के एक्वाटिक एनिमल के बारे में? नेशनल एक्वाटिक एनिमल इंडिया का डॉल्फिन है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तुम्हें पता है गैंगटिंग डॉल्फिन हमारे इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। जैसे नेशनल बर्ड कौन है, नेशनल एनिमल कौन है, पता होगा सब कुछ। तो उसमें एक्वाटिक में डॉल्फिन है। वेरी गुड। इनमें से कौन सा वाला रीजन इंडिया का कॉम्बिनेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट? बताओ कहाँ में पाए जाते हैं सारे? आपकी बिल्डिंग फ्लाई ऐश की बनी है? अच्छा जी, आजकल बन भी रही है, मैंने भी देखी है। अंडमान निकोबार में हर टाइप के मैंग्रोव्स भी हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, डिशीटियस फॉरेस्ट भी है, ठीक है। इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है कंट्रोल एंड फेजिंग आउट यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? इजी, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है। सो आंसर है दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर ओजोन, सही बात है। अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इस्टेब्लिश किया गया था IBRD, ठीक है। सो खैर, क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली इमिशंस के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। नगोया इज फॉर बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस इन बेनिफिट शेयरिंग है बायोडाइवर्सिटी के लिए। Rio 20 कॉन्फ्रेंस मेंशन की जाती है न्यूज़ में, किस खुशी में की जाती है भाई? हाँ उधर भी है, बिल्कुल है, बट वहाँ ये पूछा था क्वेश्चन है कि तीनों एक जगह कहाँ मिलते हैं। सो आंसर इज, इट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सो सुमे 1992 में आया था ये, हो गया। वैसे आज क्वेश्चन ना, इन विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज ऑफ सोशल पावर प्रोडक्शन कंसिडर करना है स्टेटमेंट्स को। सोलर पावर प्रोडक्शन के बारे में, ओनली वन, मैं कॉमन सेंस की बात बताती हूँ। पहला वाला सेंटेंस ये कह रहा है फोटोवोल्टाइक एक टेक्नोलॉजी है जो कि डायरेक्ट DC करंट प्रोवाइड करती है। पहली बार मैंने आपको समझा रखा है फोटोवोल्टाइक में DC बनता है, फिर उसको बैटरी में स्टोर किया जाता है और AC के थ्रू चलाया जाता है। अब आगे आ गया यार ये स्लाइड, तो ऑटोमेटिकली पहले वाला गलत है तो सेकेंड वाला सही है उसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ DC to AC। विच ऑफ फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स कहाँ है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड सुंदरबन तो वो है ना पेड़ पौधे, कोरल रीफ समुद्र में मारे जाएंगे। अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मीनार, मेजर रीफ फॉर्मेशन इंडिया सी में होते हैं, ठीक है। सी समुद्र में पाए जाते हैं इसलिए। तो कौन कौन से? गल्फ ऑफ मीनार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप यहाँ पर। अदर देन पोचिंग,
वट आर पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन्स? शिकार करने के अलावा और कौन सा ऐसा रीजन है कि भाई गंगा रिवर के जो डॉल्फिन्स है वो गिरती चली जा रही है, डिक्लाइन होती चली जा रही है? हाँ बिल्कुल, सुंदरबन तो वेटलैंड है, उसमें कोरल रीफ क्या कहेंगे? वो एक्चुअली ना पता क्या है, वो फ्रेश वाटर की भी लैंड है, वहाँ पे जो झील होती है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेज इन द रिवर, वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट हो गया है। पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल बताओ, क्रोकोडाइल डॉल्फिन को खा जाएगी? अरे वो वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। गेटिंग ट्रैप्ड फिश नेट एक्सीडेंटली, वो फिश ट्रैप में आ जाती है। और यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, जो एग्रीकल्चर में ये फर्टिलाइजर यूज़ करें ना, केमिकल्स वगैरह, उनसे उनको नुकसान होता है। तो सी इज़ करेक्ट आंसर। देर आर सम कंसर्न रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल्स, सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज बाई इंडस्ट्री इन मैनुफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, वाई? सो यहाँ कहता है कि कुछ कंसर्न है नैनो पार्टिकल्स के बारे में, तो नैनो पार्टिकल्स के बारे में इतने सारे कंसर्न क्यों हैं? हाँ जी, सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। दे आर एक्यूमुलेट और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में इकट्ठे हो जाते हैं, कंटेमिनेट करते हैं, दूषित करते हैं पानी। बट आर नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स छोटे छोटे कण मिट्टी के, ये सब होते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, नैनो पार्टिकल्स बहुत बारीक कण। दे एंटर इन फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, दे ट्रिगर प्रोडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, इनमें से कौन से वाले इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जो रिलीज होते हैं स्टील इंडस्ट्री के द्वारा इंडिया में, बताओ? स्टील इंडस्ट्री के द्वारा कौन कौन से पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं फूड चेन में, कैसे होगा? एक्चुअली नैनो पार्टिकल्स में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे और पार्टिकल्स भी आएंगे। मैटर दैट हैज बिन नैनोमीटर, तो इस वजह से वो हमारे सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इज करेक्ट। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यस सारा ही ठीक था। कंसिडर करना है फॉलोइंग कंट्रीज को, तो इनमें से कौन सी वाली मेंबर है आर्कटिक काउंसिल की? आर्कटिक काउंसिल की कौन कौन से मेंबर्स हैं? एक्चुअली छोटे छोटे जो कण होते हैं ना मिट्टी के भी, तो उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ होता है, बैक्टीरियल फाउंडेशन भी, वो सांस लेने से ही अंदर चले जाते हैं। हाँ जी, आर्कटिक काउंसिल के कौन है? मैं बता देती हूँ, काफ़ी तक बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए डेनमार्क, रशियन फेडरेशन एंड यूएसए। ठीक है, जापान और यूके नहीं है इसके। सो आर्कटिक काउंसिल एक वर्क ग्रुप है जो कि कंजर्व कर रहा है आर्कटिक फ्लोरा एंड फाउना को, और 2019 में स्टॉकहोम में इनकी वर्कशॉप हुई थी आर्कटिक वेटलैंड्स के ऊपर। रेजिलिएंट इन मैनेजमेंट करना है आर्कटिक वेटलैंड्स को, ओटावा डिक्लेरेशन के अंदर लिस्ट बताई गई थी कि कौन से कंट्री मेंबर्स हैं इसके। तो इसके अंदर आते हैं कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लास्ट क्वेश्चन करो आज का, फिर वी विल वाइंड अप द क्लास। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल ट्रीटी जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सी वाली बायोडाइवर्सिटी को बियर कर रही है? जैव विविधता।
हाँ जी, कोई बता ही नहीं ना, ठीक है। सो ऑल, ठीक है। सो इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये सारी की सारी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को केटर कर रही है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं रात को 10 बजे पीपल एंड एनवायरमेंट के एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, और अनलॉक कोड है नवदीप लाइव या फिर नव क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम, मीट यू सून।